ज़्यादातर लड़के इस चीज़ को फेस करते हैं कि वो चाहते भी नहीं, तब भी उनका जो प्राइवेट पार्ट है वो एकदम सीना ताने खड़ा हो जाता है, बार बार उनको इरेक्शन आने की दिक्कत हो जाती है और वो इस चीज़ को दिक्कत समझते हैं, वो सोचते हैं कि उनको दिक्कत हो रही है और बार बार इस इरेक्शन आने को वो प्रॉब्लम समझते हैं और इरिटेट हो जाते हैं। एक्चुअली बात इरिटेशन की है भाई, क्योंकि अगर कोई वो लड़की देख ले और वो अट्रैक्टिव हुआ और उसका इरेक्शन आ गया ना, तो उसके सामने तो एम्बैरेसिंग वाली बात हो जाती है। अगर लिक्विड पास हो गया और गीला हो गया, इससे भी लड़के एम्बैरेस हो जाते हैं। बहुत बार ये बाहर से दिख भी जाता है और वहाँ पे ना फेस लॉस होने का चांसेस होता है। इसीलिए बात करते हैं कि क्या ये सचमुच प्रॉब्लम है। ये जो रैंडम इरेक्शन की बात आती है ना, ये अक्सर अर्ली 20s में या अर्ली 25-30s के अंदर होती है। ये रैंडम इरेक्शन आता है, कुछ सोचा नहीं, कुछ देखा नहीं, कुछ छुआ नहीं, बार 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 उनका इरेक्ट हो जाता है। जैसे इरेक्ट भी हो जाता है वैसे ठंडा भी पड़ जाता है, पर इरेक्शन आने से बहुत बार दिक्कत तो हो जाती है भाई। और मॉर्निंग इरेक्शन तो एक बहुत बड़ी दिक्कत समझते हैं वो लोग, पर रिसर्चर्स पता है क्या कहते हैं? रिसर्चर्स ये बताते हैं कि बार बार इरेक्शन आना एक हेल्दी सिग्नल होता है कि आपके ब्लड वेजल्स ठीक है, आपके प्राइवेट पार्ट में वेंस ठीक है, आपकी ऑल ओवर बॉडी की जो सिग्नल फंक्शनिंग है वो ठीक है और मैकेनिज्म जो सेक्स का पूरा है वो ठीक है, तभी आपका बार बार इरेक्शन आ रहा है। क्योंकि अक्सर अर्ली 20s में भी लड़के ईडी की प्रॉब्लम को आजकल फेस कर रहे हैं ड्यू टू पोर लाइफ स्टाइल, ड्यू टू पोर हैबिट्स, गलत खाना, गलत आदतें उनको अर्ली 20s में भी ईडी की शिकार बना देते हैं। अगर इस एज में ना आपका बार बार रैंडम इरेक्शन आ रहा है, भले ही आप इससे परेशान हो रहे हो, पर दिली दिल इस चीज़ को लेके खुश रहो कि भगवान ने आपको नवाजा है इस चीज़ से कि आपको सेक्सुअल लाइफ में कोई प्रॉब्लम एटलीस्ट आज के डेट पे नहीं होने वाली है। ना तो आपको ब्लड सप्लाई की कोई अभी दिक्कत है, ना आपके ब्लड वेजल्स ख़राब है, ना आपकी वेंस ख़राब है और ना ही आपकी ऑटो इरेक्शन सिग्नल्स खराब है। सब कुछ अपनी जगह सही से काम कर रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप हेल्दी तरीके से देख रहे हो ना दोस्तों, तो इसको हेल्दी रखने की भी कोशिश करो। अपने खान पान पर सही तरीके से ध्यान दो, गंदी आदतों को जितना कम हो सके अपने अंदर इंड्यूस करो। और अगर आप परेशान हो ना इस बार बार रैंडम इरेक्शन से, तो अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। यानी कि आप देख रहे हो कि ऑफिस पे बैठे हो और किसी अच्छी लड़की से आपका पाला पड़ गया, जिसको आप पसंद करते हो ना भी पसंद करते हो, क्रश हो रहा है, पर उसके सामने इरेक्शन आना मतलब कि बहुत ही बुरी बात है ना। अगर वो समझ जाए तो आपका फेस लॉस हो जाएगा। तो इस केस में माइंड को डाइवर्ट करो, चाहो तो इंस्टेंट आप कोई ऐसे वीडियो देख सकते हो जो आपको काम डाउन करे। अदरवाइज अगर रास्ते पे भी चल रहे हो तब भी अब कुछ और सोचने की कोशिश करो। और बहुत सारे लड़के तो इससे इतना परेशान हो जाते हैं कि अपने हैंड प्रैक्टिस की आदत को लगा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। हैंड प्रैक्टिस तभी करो जब आपको ज़रूरत हो, जब ये आपकी बॉडी में नीड हो तभी करो। अदरवाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल हेल्दी कि आपको हैंड प्रैक्टिस करना है, पर इसको तभी करो जब आपको ज़रूरत हो, तभी ये हेल्दी है। और बार बार रैंडम इरेक्शन ये भी हेल्दी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब आल्सो, बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू, बाय।